नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीरज और आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज। तो चलिए दिन की शुरुआत करते हैं देश विदेश की कुछ मुख्य खबरों के साथ। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को देर शाम दिल्ली के अपोलो अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। सूचना है कि देर शाम उनके पेट में थोड़ी दर्द उठी, जिसके बाद चेकअप के लिए उन्हें अस्पताल ले जाया गया। खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन यानी FSDA की एक रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि लखनऊ के ब्लड बैंकों में जो खून स्टोर किया गया है वो ह्यूमन बॉडी के लिए फिट नहीं है बल्कि जानलेवा है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 17,278 मामले सामने आए हैं और 26 मरीजों की मौत हो गई है। अच्छी बात यह है कि बीते दिन देश में 15,281 मरीजों की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है। उत्तर भारत के अधिकतर राज्यों में इस हफ्ते भारी बारिश की आशंका है। 5 दिनों तक बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और झारखंड में भारी बारिश की आशंका जताई गई है। देश के 15वें राष्ट्रपति का इंतजार आज खत्म हो जाएगा। आज सुबह 11 बजे वोटों की गिनती शुरू होगी और आज ही रिजल्ट भी आ जाएगा। राष्ट्रपति पद के लिए 18 जुलाई को वोटिंग हुई थी। NDA उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष के प्रत्याशी यशवंत सिन्हा के बीच कहीं तो सीधा मुकाबला है। नेशनल हेराल्ड मामले में ED के सामने आज सुबह 11 बजे कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पेश होंगी। इससे पहले भी ED सोनिया गांधी को समन भेज चुकी है, लेकिन खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए सोनिया ने ED से समय मांगा था। ब्रिटेन के नए PM बनने के लिए भारतीय मूल के ऋषि सुनक ने एक और कदम आगे बढ़ाया है। कंजर्वेटिव सांसदों की ओर से की गई 5वें दौर के मतदान में ऋषि सुनक फिर से अव्वल रहे। सुनक को 137 वोट मिले हैं। सियासी और आर्थिक संकट के बीच श्रीलंका के नए राष्ट्रपति का फैसला हो गया है। बुधवार को हुए चुनाव में रानिल विक्रमसिंघे ने जीत हासिल कर ली है। तो देश विदेश की मुख्य खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। धन्यवाद।